वालेकुम स्टूडेंट्स आएमजैंदास्म और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल तो आज की इस वीडियो में हम डिविएशन फ्राम आइडियल गेस के बिहेवियर जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं मतलब ये है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो हम बात स्टार्ट करते हैं डिविएशन से कि डिविएशन का मतलब क्या है तो आसान अल्फाज में डिवियशन का मतलब ये है कि मान लो आप एक रास्ते पे जा रहे हैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ फिर बाद में हम डिटेल में भी जाते हैं कि इस रास्ते पे आप जा रहे हैं अब आपके पीछे एक बंदा जा रहा है लेकिन यहाँ पे वो इसने अपना रास्ता चेंज किया तो ये आपसे डिविएट हुआ आपसे इसने इख्तिलाफ की कि मैं इसी रास्ते पर नहीं जाता इसने आपको फॉलो नहीं किया तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं डिविएशन कहते हैं तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों ने चार्ल्स ला ये चीज़ें पढ़े होंगे अब ला जो है और चार्ल ला इसके अलावा एगो ये आए हैं काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी से कहने का मतलब ये है कि बॉयज़ ने चार्ल्स ने इसके अलावा एवगेर्रो ने कॉनेटिक मोलिकुलर थ्योरी की जो पॉस्टुलेट है उसको देख के उसको मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों ने अपने ला पेश किए अब अगर आप लोगों को याद हो बॉयज़ ला इस तरह था कि वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी या पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम प्रेशर ये यहाँ पे जो प्रेशर है इसको इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम घटता है यानी यहाँ पे अगर मैं बना लूँ ये हमारे पास क्या है एक बीकर है राइट यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है इसके अलावा यहाँ पे वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसमें बीकर में यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं तो बॉयल्स के मुताबिक जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम कम होता है अब मान लो यहाँ पे वन ई टी एम है इस प्रेशर को हमने इनक्रीज़ किया इनक्रीज़ किया इनक्रीज़ किया एक टाइम आएगा क्या आएगा यानी प्रेशर इंक्रीज़ करने से यहाँ पे अगर एक दूसरा बीकर मैं बना लूँ या दूसरा कंटेनर मैं बना लूँ तो यहाँ पे हमने प्रेशर इनक्रीज़ किया यहाँ पे मूवेबल पिस्टन था मोवेबल पिस्टन था प्रेशर इंक्रीज़ करने से ऊपर से नीचे आया और मान लो इस टाइम यहाँ पे जो प्रेशर है ये है चार ए इस टाइम कितना प्रेशर है चार ए प्रेशर हमने इनक्रीज़ किया अब जब हम मज़ीद प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं घटेगा वॉल्यूम नहीं घटेगा पहले प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम घटता था घटता था घटता था लेकिन एक टाइम आया कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम नहीं घटता अब आइडियल अगर ये आइडियल गैस होता मान लो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस डाला हुआ है कौन सा गैस हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन गैस आइडियल गैस नहीं है ये रियल गैस है अगर यहाँ पे आइडियल गैस होता काइनेटिक मारिकुलर थ्योरी की जो पॉस्टुलेट है वो अगर फॉलो करते इस गैस ने तो फिर यहाँ पे जो बॉयल्स लाता वो कम्प्लीटली ठीक होता यानी प्रेशर इंक्रीज़ करने से यहाँ पे जो है वॉल्यूम घटे घटता था घटता था एक पॉइंट आता था कि वॉल्यूम ज़ीरो बन जाता था लेकिन वो अगर आइडियल गैस हो यहाँ पे लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डाला हुआ है एच टू डाला हुआ है तो प्रेशर हम इनक्रीज़ करते थे करते थे करते थे वॉल्यूम घटता था घटता था घटता था पर एक टाइम आया कि मज़ीद प्रेशर इनक्रीज़ करने से वॉल्यूम नहीं घटा जब नहीं घटा तो इसने यहाँ पे ये गैस जो है ये डिविएट हुआ यानी आइडियल गैस से इसने किया कि आप करो आपका वॉल्यूम ज़ीरो भी बन जाए लेकिन मेरा वॉल्यूम हाइड्रोजन कहता है आइडियल गैस से कि मेरा वॉल्यूम ज़ीरो कभी भी नहीं बनेगा चाहे जितना भी इंक्रीज़ करे प्रेशर को तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आइडियल गैस से डिविएट हुआ तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं डिविएशन कहते हैं या एक दूसरे ला में जो चार्ल्स ला है वो कहता है कि टम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कहने का मतलब ये है कि हम एक बीकर उठाते हैं बीकर से समझाता हूँ यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है और मान लो टू एटीएम प्रेशर है कितना प्रेशर है टू ए टी एम प्रेशर है प्रेशर हम क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे या मान लो वन ए टी एम प्रेशर है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं इस बीकर में और टम्प्रेचर जो है हम इसको क्या करते हैं इंक्रीज़ करते हैं टम्परीचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम बढ़ेगा कौन कहता है चार्लिस ला गया है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है टम्परीचर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम बढ़ेगा 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 अब अगर टम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम बढ़ता है तो टम्परेचर डिक्रीज़ करने से भी वॉल्यूम घटेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है अब अगर यहाँ पे हम टम्परीचर इतना डिक्रीज़ कर दे कि यहाँ पे मान लो हमने टम्परीचर किया दो सौ माइनस दो सौ तिहत्तर या जितना भी किया लेकिन एक टाइम आया एक टाइम आया कि मजीद यहाँ पे वॉल्यूम नहीं घटा क्यों नहीं घटा यहाँ पे चार्ल्स ला से रियल गैस ने इख्लाफ किया अगर यहाँ पे आइडियल गैस होता मान लो यहाँ पे गैस जो है नाइट्रोजन गैस पड़ा हुआ है N2 टू गैस है अगर यहाँ पे आइडियल गैस होता तो टम्परेचर इंक्रीज करने से और डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम घटता और बढ़ता था और यहाँ पे एक टाइम आता था, था कि टम्परेचर इंतहाई काम करने से वॉल्यूम ज़ीरो बन जाता था लेकिन आइडियल गैस। लेकिन यहाँ पे हमने रियल गैस डाला नाइट्रोजन गैस है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करते 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 एक टाइम आया कि नाइट्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ या सॉलिड में कन्वर्ट हुआ अब मजीद जितना जोर लगाए जितना टम्परेचर कम करे यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं बनता तो यहाँ पे रियल गैस ने या नॉन आइडियल गैस ने आइडियल गैस से इख्तिलाफ किया क्या किया इख्तिलाफ किया तो इस इख्तिलाफ को हम क्या कहते हैं डिविएशन कहते हैं क्या कहते हैं डिविएशन अब हम आते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तरफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पहले हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को डिविएशन जो पॉजिटिव डि डिवियशन है नेगेटिव डिविएशन है उसका पता चल सके और आप लोग कंपेयर कर सके कि कैसे एक रियल गैस आइडियल गैस से डिविएट होता है तो सबसे पहले ग्राफ ग्राफ एक्सप्लेनेशन से पहले हम डिविएशन सॉरी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट या हेडिंग लगाए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है क्या है सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से और ये एक रीशु है क्या है एक रीशि है जो हम फिक्स करते हैं या आइडियल गैस के लिए ये फिक्स होती हैं और ये रीशि जो है ये आई हुई है आइडियल गैस इक्वेशन से आप लोगों को याद होगा आइडियल गैस हमारे पास था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अब एन आर टी ये इज इक्वल टू से इस साइड पे लाए इक्वल टू से इस साइड पे लाए तो इस तरह बनेगा कि पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड क्योंकि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अब जेड की वैल्यू हम या इसकी जो रीशि आती है इसकी वो वन होती है इसलिए हम क्या करते हैं कि Z हमारे पास वन के बराबर होता है या ये जो रेशू है या जो आइडियल गैस इक्वेशन है जो इस तरह अरेंज हुआ इसकी वैल्यू वन आती है तो हम इस तरह कह सकते हैं कि पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी इज़ इक्वल टू वन इस तरह भी कह सकते हैं और इस तरह भी कह सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू वन क्योंकि ये जो रीशु है ये Z के बराबर है और इसकी जो वैल्यू आती है वो वन होता है तो वन जब होता है तो हम कह सकते हैं कि Z इज़ इक्वल टू वन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कैसे वन आती हैं तो अगर हम एस टी पी के ऊपर प्रेशर डालें यानी प्रेशर की वैल्यू डाले वॉल्यूम की वैल्यू डाले नंबर ऑफ़ मोल इसके अलावा जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू और टी की वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी कैसे यहाँ पे नोट करें z इज एक टू हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि z इज एक टू पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी पी हमारे पास एस टी बी की ऊपर कितना होता है वन होता है इसके अलावा मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना होता है बाईस इशारिया चार डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ मोल कितने होते हैं वन मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट टू वन मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना होता है कैल वन में हम लेंगे दो सौ तिहत्तर कैल वन अब हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है तो ये जब इसके साथ का आएगा तो यही बाईस शारिया फोर आएगा इसके अलावा ये वैल्यू इसके साथ का आएगा तो यही वैल्यू आएगी तो इसलिए हम वन वन इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते तो बाईस इशार्य चार ऊपर बाईस चार हैं इसके अलावा कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं तो है। कैलकुलेटर तो यहाँ पे है अब यहाँ पे देख ले ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट टू वन मल्टीप्लाई भाई दो सौ तिहत्तर टू ये आता है बाईस इशार्य फोर वन थ्री थ्री लेकिन ये आ, हम वन थ्री 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 जो है इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या बाईस इशारिया फ़ोर या ट्वेंटी टू पॉइंट फोर आता है तो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर यहाँ पे ट्वेंटी टू पॉइंट डिवाइडेड बाय 22.4 वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी तो इसलिए जेड हमारे पास क्या है वन के बराबर है या यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये वन के बराबर है लेकिन ये किसके लिए आइडियल गैस के लिए किसके लिए आइडियल गैस के लिए वन आता है अब अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं मान लो टू ए किया थ्री ए किया फोर ए किया अगर आइडियल गैस है तो फिर भी जेड की वैल्यू वन आएगी इसके अलावा यहाँ पे जेड की वैल्यू हमारे पास वन तो आ गई अब इसको हम कंपेयर करेंगे यानी रियल गैस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं और उसकी वैल्यू निकालेंगे जब उसकी वैल्यू निकाल ले अगर उसकी वैल्यू वन से कम आ गई यानी हमारे पास 0.9 आ गई वैल्यू या 0.8 आ गई वैल्यू या 0.7 और इस तरह 0.6 पॉइंट तो कहने का मतलब ये है कि ये इस वैल्यू से इख्लाफ करता है इसको हम क्या कहते हैं डिविएशन कहते हैं क्या कह कहते हैं डिविएशन लेकिन ये कौन सा डिविएशन है ये नेगेटिव डिविएशन है कौन सा डिविएशन है नेगेटिव डिविएशन इसके अलावा अगर यहाँ पे हम रियल गैस की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे और उसकी रिशो हमारे पास वन से ज़्यादा आ गई मतलब वन पॉइंट टू आ गई या वन पॉइंट वन आ गई और वन पॉइंट इसके अलावा टू आ गई वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स और जाते जाए तो ये इस वैल्यू से इख्तिलाफ करता है मतलब यहाँ पे डिविएशन होता है रियल गैस डिविएट हो रहा है किसी आइडियल गैस से लेकिन ये कौन सा डिविएशन है ये पॉजिटिव डिविएशन है तो यहाँ पे एक और पॉइंट कि डिविएशन के दो टाइप है एक को हम क्या कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन एक को हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन तब होगा जब वैल्यू आ जाए वन से ज़्यादा नेगेटिव डिविएशन तब होगा जब वैल्यू वन से कम आ जाए तब नेगेटिव डिविएशन होगा अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ किसकी तरफ ग्राफ की तरफ और हम क्या करते हैं देखते हैं कि रियल गैस जो है किस तरह डिविएट हो रहा है आइडियल गेय से तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सेस है सॉरी वाई एक्सेस इस पर हम क्या करेंगे जेड रखेंगे या पी वी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी ये रखते हैं और ये बराबर है जेड के किसके बराबर है तो हम जेड भी रख सकते हैं इसको भी रख सकते हैं वो एक्स एक्सेस पे एक्स एक्सेस पे हम टम्परेचर सॉरी प्रेशर रखेंगे पर प्रेशर किस में होगा ए टी एम में होगा प्रेशर हम रखते हैं तो प्रेशर किस में होगा ए टी एम में अब यहाँ पे ज़ीरो प्रेशर है यहाँ पे जैसे आ, हम बढ़ते जाएंगे यहाँ पे वन ए टी एम टू ए टी एम थ्री ए टी एम फोर ए टी एम यहाँ पे मान लो दो सौ ए टी एम आपके बुक में दिया हुआ है दो सौ ए टी एम और फिर यहाँ पे चार सौ छः सौ और फिर यहाँ पे आठ सौ और यहाँ पे हज़ार ए टी एम यानी प्रेशर इतना इंक्रीज़ हो रहा है इस रेंज में प्रेशर वन ए टी एम टू ए टी एम थ्री ए टी एम इस तरह है और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है या पी वी इज एक टू एन आर टी है यहाँ पे आर है सॉरी और यहाँ पे ये बराबर है जेड तो जेड भी रख सकते हैं और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो इक्वेशन है वो भी रख सकते हैं तो अगर हमारे पास गैस क्या हो गैस हो आइडियल गैस क्या हो आइडियल हो उसको उसका प्रेशर जब आप चेंज करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं जितना भी करें लेकिन अगर गैस आइडियल हो तो उसकी वैल्यू वन आएगी यानी यहाँ पे प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया यहाँ पे मान लो वन रिशो वैल्यू कितनी है वन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी है वन है यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट फाइव है और फिर यहाँ पे मज़ीद डिक्रीज़ होती हैं यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती हैं यानी यहाँ पे वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव और यहाँ पे टू राइट right? तो यहाँ पे अगर वन से वैल्यू कम आ गई तो इसका मतलब ये है कि डिविएशन हुआ या ग्राफ जो है वन से नीचे आया तो डिविएशन हुआ लेकिन नेगेटिव डिविएशन अगर ग्राफ ऊपर गया या वैल्यू ऊपर आई तो पॉजिटिव डिविएशन अब यहाँ पे हमारे पास अगर आइडियल गैस हो तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की रिशू है या जो वैल्यू है वो हर प्रेशर पे यानी प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन इसकी वैल्यू वन आएगी तो इसका ग्राफ सीधा बनेगा इस तरह स्ट्रेट बनेगा किस तरह बनेगा ग्राफ इसका सीधा बनेगा अब ये हमारे पास एक ऐसी रीशि है ये वन रीशि जो है कि इसके साथ हम रियल गैस कंपेयर करते हैं क्या करते हैं रियल गेस कंपेयर करते हैं तो मान लो हमारे पास यहाँ पे मैं वाइट कलर से शो करता हूँ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पॉइंट नोट करें है 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 एच टू और हीलियम ये हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करता है किस तरह शो करता है अगर यहाँ पे पी जो है जो प्रेशर है उसको चेंज करते जाए चेंज करते जाए तो यहाँ पे मान लो वन ज़ीरो है यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री फोर यहाँ पे जाते 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 प्रेशर इंक्रीज़ होता है यहाँ पे दो सौ है मान लो तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीम का ग्राफ कुछ इस तरह जाता है कि यहाँ पे सीधा चला जाता है क्या जाता है सीधा चला जाता है तो यहाँ पे पहले प्रेशर कम था यानी वन आया टू प्रेशर टू प्रेशर थ्री लेकिन जैसे जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस आइडियल गैस से डिविएट हो रहा है यहाँ पे इस लाइन पे सीधा नहीं जा रहा ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमने चेंज की फाइव ए किया सिक्स ए किया टेन ए किया मान लो यहाँ पे फोर तक इस तरह आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है लेकिन जैसे प्रेशर फाइव किया और सिक्स किया और जाते जाते मज़ीद आठ सौ पे आए तो ये बहुत ज़्यादा डिविएट हो रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वन से इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही हैं यानी प्रेशर हमने सिर्फ इंक्रीज किया और किस गैस का इंक्रीज़ किया हाइड्रोजन है या हीलियम है उसका उसके ऊपर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पे और प्रेशर जैसे इंक्रीज किया और इसकी रिशो जब हमने देखी तो यहाँ पे इसकी रिशो वन से ज़्यादा थी जब ज़्यादा थी तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये यह डिविएट हो रहा है आइडियल गेस ये डिवियट हो रहा है इसके रास्ते पे नहीं जाता तो ये हमारे पास कौन सा गैस है हाइड्रोजन या हीलियम गैस तो हमेशा याद रखे कि इस तरफ कौन सा डिविएशन है पॉजिटिव डिविएशन तो हाइड्रोजन और हीलियम ये कौन सा डिविएशन शो करता है पॉजिटिव डिविएशन शो करता है इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं सी एच फोर गैस जो मित्र गैस है सी एच फोर ये गैस उठाते हैं और देखते हैं कि ये डिविएट हो रहा है या नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आइडियल था क्या था आइडियल था जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया यानी यहाँ पे नीचे आते आते यानी इस साइड पे जाते जाते हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो ये डिविएशन शो कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है इस पॉइंट पे यानी 200 प्रेशर पे या 200 से थोड़ा कम प्रेशर पे ये डिविएशन शो करता है यानी इसकी वैल्यू वन नहीं आती कितनी आती हैं कम आती हैं वन से कम आती हैं तो इट मींस कि ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है और जैसे जैसे यहाँ पे हमने मज़ीट प्रेशर इंक्रीज़ किया तो इसने फिर पॉजिटिव डिविएशन शो किया तो यहाँ पे कौन सा गैस है सी एच फोर अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ग्राफ किस तरह बनता है ये इस तरह बनता है कि मान लो हमारे पास एक बिकर है उसमें हम मीथेन गैस डालते हैं प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी यानी पहले वन atm फिर टू ए फिर थ्री atm तो यहाँ पे इस टाइम वन टू थ्री atm के ऊपर ये आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा था पर जैसे हमने प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ किया यहाँ पे 200 पे आए या जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ Osionfish. तो इसने डिविएशन शो किया इसकी वैल्यू वन से कम आ गई जैसे ऊपर पहले हमने मालूम की यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की, की 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 और कैलकुलेट किया तो वैल्यू वन से कम आती है तो, तो इट मींस कि यहाँ पे ये कम आती हैं आती है आती हैं यहाँ पे इतनी कम आ गई और फिर जब प्रेशर इंक्रीज़ किया इंक्रीज़ किया इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे यह फिर डिविएशन यहाँ पे फिर आइडियल गैस पे आया लेकिन मजीद फिर चढ़ा यहाँ पे रुका नहीं इस तरफ नहीं जाया मजीद बढ़ा और यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन है वो शो किया पहले नेगेटिव डिविएशन फिर पॉजिटिव डिविएशन इसके अलावा फिर हमने क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस उठाया कौन सा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसने यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन और फिर पॉजिटिव डिविएशन शो किया तो ये हमारे पास कौन सा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इसका भी यही केस है कि पहले वैल्यू जब हमने मालूम की कैलकुलेट की इस इक्वेशन से वो वन से कम आ रही थी मतलब ग्राफ इस तरह जा रहा है और जब मजीद इंक्रीज़ किया प्रेशर को तो वैल्यू बढ़ गई वन से इंक्रीज़ हो गई वन पॉइंट टू और यहाँ पे फाइनली टू पे या थ्री पे आ गई तो ये भी डिविएशन शो कर रहा है लेकिन पहले नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा था मज़ीद प्रेशर इंक्रीज़ किया तो फिर पॉजिटिव डिविएशन शो किया इसके बाद हम क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस डालते हैं और उसका डिविएशन चेक करते हैं तो पहले थोड़ा बहुत नेगेटिव डिविएशन और फिर पॉजिटिव डिविएशन तो ये हमारे पास कौन सा गैस है नाइट्रोजन गैस अब ये सारे रियल गैस है कौन से गैस है रियल गैस है इस इसी वजह से ये डिविएशन शो तो करता है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं डिविएशन और ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है अब यहाँ पे इस ग्राफ से हम ये पता चलता है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से रियल गैस आइडियल गैस से डिविएट होता है यानी यहाँ पे 200 सौ ए है लेकिन अगर हम इसको जूम कर दे यहाँ पे वन आएगा टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे वन ए टी एम टू ए टी एम थ्री ए टी एम यहाँ तक जो है ये गुजारा करता है ये जो गैसेज है ये आइडियल गैस बिहेव करता है पर जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं क्या करते हैं प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो रियल गैस आइडियल गैस से डिविएट होता है तो यहाँ पे इस ग्राफ से हम ये पता चला कि एट हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर रियल गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस कम प्रेशर पे डिविएशन शो नहीं करता यहाँ पे कम पे डिविएशन शो नहीं करता लेकिन जैसे प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं तो डिविएशन शो करता है तो इससे ये पता चला इसके अलावा एक और भी पता चला कि रियल गैस जो है ये कभी कभार आइडियल गैस हम इसको कह सकते हैं क्युं? क्यों क्योंकि यहाँ कम प्रेशर पर ये आइडियल गैस बिहेव करता है जैसे इसकी वैल्यू वन आती है लेकिन प्रेशर इंक्रीज़ करने से फिर ये रियल गैस बनता है दो पॉइंट हमने नोट किए इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है टम्परेचर से रिलेटेड यानी यहाँ पे हम पहले ग्राफ ड्रा करते हैं फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे यही जेड है यह वही पी वी डिवाइड बाई एन आर टी है लेकिन यहाँ पे इस टाइम मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसकी वैल्यू यहाँ पे वन आती है यानी आइडियल गैस के लिए इसके अलावा यहाँ पे टम्परेचर है मैं इसको सॉरी प्रेशर प्रेशर है लेकिन एटीएम में किसमें है एटीएम में फिर वही दो सौ तीन सौ चार सौ सौ हज़ार तक आ चुका है यहाँ पे मान लो पाँच सौ है पाँच सौ ए टी एम यहाँ पे हज़ार राइट और यहाँ पे ज़ीरो ए टी एम है अब पी वी जो है पी वी यहाँ पे खैर है मैं लिखता हूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर डी तो इस इक्वेशन में मैं प्रेशर भी चेंज करता हूँ प्रेशर इस साइड पे इंक्रीज होता है इसके अलावा यहाँ पे जो टम्परेचर है टेम्परेचर वो भी इंक्रीज करता रहता हूँ लेकिन एक गैस मैं ले लूंगा जो कि रियल गैस होगा जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन गैस उठाया और डिफरेंट टम्परेचर पे देखा किस पे देखा डिफरेंट टेम्परेचर पे तो पहले मैंने लो टेम्परेचर पे देखा तो ये बहुत ज्यादा डिविएट हुआ क्या हुआ बहुत ज़्यादा डिविएट हुआ यहाँ पे 200 सौ कैलवन है 200 सौ कैलवन टम्परेचर है यही नाइट्रोजन है इसको मैंने 200 सौ टम्परेचर पे यानी यहाँ पे जो टम्परेचर है वो कितना है 200 सौ कैलवन है और फिर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ किया इंक्रीज़ किया इंक्रीज़ किया और डिविएशन चेक करता रहा चेक करता रहा तो कुछ इस तरह ग्राफ बना इसके अलावा मैंने टम्परेचर को क्या किया मज़ीद इंक्रीज़ किया 500 पे लाया तो यहाँ पे ये डिविएट हुआ लेकिन इससे थोड़ा कम डिविएट हुआ इससे थोड़ा कम डिविएट हुआ टम्परेचर यहाँ पे कितना रखा 500 सौ रखा लेकिन 200 सौ से ये कम डिविएट हुआ इसके अलावा फिर चेक किया यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ फिर चेक किया हज़ार हज़ार कैलवन पे तो ये नाइट्रोजन गैस डिविएट हुआ लेकिन बहुत कम डिविएट हुआ ये कितना टम्परेचर है यहाँ पे मैंने यहाँ पे टम्परेचर कितना रखा हज़ार कैलवन रखा और प्रेशर को चेंज करता रहा इंक्रीज़ करता रहा इंक्रीज़ करता रहा तो इसका ग्राफ हज़ार कैलवन पे इतना है यानी इसका डिविएशन कुछ इस तरह बना अगर मैं मज़ीद यहाँ पे टम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँ पंद्रह सौ कर दूँ तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये एग्जैक्ट यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर आएगा क्या आएगा इस ग्राफ के ऊपर आएगा तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है इस ग्राफ से कि जैसे टम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं क्या करते हैं टम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रियल गैस ये नाइट्रोजन कौन सा गैस है रियल गैस है ये आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ जाता है किसकी तरह आइडियल गैस की तरफ ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि एट लो टेम्परेचर पे, किस पे लो टेम्परेचर पे ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट हाई प्रेशर पे डिविएशन ज़्यादा होता है एट लो टेम्परेचर पे डिविएशन ज़्यादा होता है जैसे यहाँ पे आप लोग देख लें टेम्परेचर कम है डिविएशन ज़्यादा टम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है डिविएशन कम होता जा रहा है इसके अलावा यहाँ पे देख ले प्रेशर कम है प्रेशर क्या है कम है डिविएशन कम प्रेशर इंक्रीज़ किया डिविएशन इंक्रीज़ हुआ फिर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ किया इंक्रीज़ किया डिविएशन ज़्यादा हो रहा है तो जितना प्रेशर मैं इंक्रीज़ करता रहता हूँ उतना डिविएशन ज़्यादा होता है जितना प्रेशर जो है सॉरी टम्परेचर उसको डिक्रीज़ करता हूँ तो डिविएशन ज़्यादा होता जा रहा है तो कहने का मतलब ये है कि एट हाई प्रेशर पे एट हाई प्रेशर पे एट लो टम्परेचर पे डिविएशन ज़्यादा होगा आइडियल गैस से रियल गैस ज़्यादा डिविएट होगा अगर हमारे पास टम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो लो के बजाय ज़्यादा हो और यहाँ पे प्रेशर जो है ये हाई के बजाय लो हो तो तब रियल गैस फिर क्या करेगा रियल गैस आइडियल गैस भी है वो करेगा रियल गैस आइडियल गैस बिहेव करेगा इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि रियल गैस आइडियल गैस से क्यों डिविएट होता है क्यों डिविएट होता है तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इस कोर्स का हिस्सा है और टॉपिक है काजेस काजेज ऑफ डिविएशन उसको उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को क्लोज करता हूँ उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग